नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ICICI बैंक की पैसे जमा करने वाली पर्ची को किस तरीके से भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ इस तरीके की पर्ची मिलेगी। पर्ची आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा, और बीच में यहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है। ये वाली पर्ची जब आप जमा करने के लिए ये पर्ची देंगे कैशियर को, तो ये पर्ची आपको वापस मिल जाएगी। ये वाली पर्ची वो रख लेगा और इस पर्ची पे स्टैंप लगा के आपको वापस दे देगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये पर्ची किस तरीके से भरनी है। सबसे पहले इसमें आपको अपना खाता नंबर डालना है। यहाँ पे मैं अपना खाता नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे खाता नंबर डाल देना। और यहाँ पे आपको डालनी है तारीख, जैसे आज की तारीख है 20/10/2023, ठीक है, बस इतना कर देना। अब खाते, जिसका भी खाता नंबर आपने यहाँ पे लिखा है उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे नाम है रमेश कुमार, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ आपको फ़ोन नंबर डाल देना और जिस ब्रांच में आप जमा कर रहे हैं वो ब्रांच का नाम भी लिखना है। जैसे कि ब्रांच मतलब शाखा, जिस भी आप बैंक में गए हैं वो बैंक जहाँ की है वो शाखा का नाम आपको लिखना है। जैसे हमारी विकासपुरी है, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, विकासपुरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको भरना है आपके पास कौन से नोट कितने हैं। जैसे 500 के आपके पास 10 नोट है, तो ऐसे लिख दीजिए 500 × 10, ये हो जाएंगे टोटल 5000। और जैसे 100 के आपके पास 20 नोट हैं तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए, 100 × 20, ये हो जाएगा 2000। इन दोनों का टोटल मिला के हो जाएगा 7000, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको लिखना है और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं, ठीक है, जो आप जमा करने गए। जैसे मेरा नाम रमेश है, मैंने यहाँ साइन कर दिया, ठीक है। ये तो इतनी चीज़ें इस साइड आपको भरनी है। इस साइड अब आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब ये पर्ची के इस साइड आ जाइए। जो जो डिटेल आपने यहाँ भरी है वही आपको यहाँ भरनी है। सबसे पहले यहाँ शाखा पूछा गया, शाखा हमने भरी थी विकासपुरी, यहाँ पे भी आपको विकासपुरी भर देनी है, ठीक है। अब यहाँ तारीख लिखने को बोला है तो हम यहाँ तारीख लिख देते हैं 20/10/2023, ठीक है। अब यहाँ पे खाता नंबर डालना है, खाता नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ये हमने खाता नंबर डाल दिया। अब नीचे खाताधारी का नाम लिखना है, खाताधारी का आप नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे विवरण डालना है, कौन से नोट कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे तो हमें बना बनाया मिला था, यहाँ पे हमें बना लेना है, हमें बना लेना है। जैसे 500 के हमारे पास 10 हैं और 100 के हमारे पास 20 हैं, तो इनके आगे टोटल लिख देंगे 5000, 2000, दोनों का टोटल हो जाएगा 7000, टोटल के आगे टोटल लिख देना है। और अब आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे कि 7000 है तो यहाँ पे हमने नंबर में लिखा है, यहाँ पे हमें वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7000 ओनली, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको लिखना है 7000 ओनली। जैसे कि आप हिंदी जानते हो तो हिंदी लिख दीजिए, नहीं तो 7000 मात्र लिख दीजिए, ठीक है, अगर आपको हिंदी में लिखना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 7000 मात्र। जैसे आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी लिख दीजिए, पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ हिंदी में लिख दिया और यहाँ इंग्लिश में लिखा है, पर आप जिस भी भाषा में लिखें, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में भरें और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में भरें, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।